टीम नमस्कार, मैं विशाल कुमार और आप देख रहे हो बी मिशन टीवी। आज का यह दिन बहुजन समाज के लिए काफी ज्यादा खास है और आज इस खास दिन के अवसर पर मैं सबसे पहले अपनी वीडियो की शुरुआत बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन करके करना चाहूंगा, क्योंकि उन्हीं के संघर्ष त्याग की बदौलत हमें ये बोलने का अधिकार मिल पाया है और उन्हीं के संघर्ष व त्याग और कड़े संघर्ष के बाद हम बोल पा रहे हैं और अपने बहुजन समाज पर हो रहे उत्पीड़न व अत्याचार की आवाज़ जन जन तक पहुंचा पा रहे हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कड़ा संघर्ष किया, उनके कड़े संघर्ष के बाद हमें अधिकार मिले और उन अधिकारों का इस्तेमाल कर हम बहुजन समाज की आवाज़ उठा पा रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को नमन, उनके चरणों में नमन और इस नए वर्ष के मौके पर मैं सभी महापुरुषों को नमन करना चाहूँगा। और आज का ये दिन काफ़ी ज़्यादा खास इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि आप सभी को पता ही है भीमा कोरे गांव में जो इतिहास दोहराया गया था, जो 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने धूल चटाई थी, वो आपको पता ही है कि उन दलित समाज के लोगों ने, यानी कि दलित समाज में आने वाले हमेशा से अछूत पिछड़ा मानने वाले जातिवादियों को धूल चटाई थी उन 500 महारों ने, और उन्होंने अपने मान सम्मान की खातिर 28,000 पेशवाओं को धूल चटा दी थी। आज का यह दिन इसीलिए भी खास हो जाता है क्योंकि 500 महारों ने अपने आत्म सम्मान, मान सम्मान और जातिवाद से छुटकारा पाने के लिए 28,000 पेशवाओं को धूल चटाई थी। इसीलिए उन सभी 500 नागवंशी महान सूरवीरों को, योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि में देना चाहूँगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा भीमा कोरेगांव क्या है, भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या है, आखिर भीमा कोरेगांव क्यों शुरू हुआ, आखिर ये युद्ध क्यों शुरू हुआ, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले 500 महान महार सूरवीरी योद्धाओं को विनम्र श्रद्धांजलि मैं देना चाहूँगा। आप सभी साथियों को सौर दिवस एवं नव वर्ष की बहुत बहुत शुभ बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और अब हम आपको बताते हैं आखिर भीमा कोरेगांव का इतिहास क्या है, क्या है, आखिर भीमा कोरेगांव क्यों शुरू हुआ। आज का दिन बहुजन समाज के लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा गौरवशाली है। बहुजन समाज के लोगों को भीमा कोरेगांव का इतिहास जानना चाहिए और अपनी ताकत पहचाननी चाहिए। हमारा बहुजन समाज बाबा साहब अम्बेडकर जी के द्वारा लिखित संविधान को मानता है और बहुत ही ज़्यादा मैनेज करता है, बहुत ही ज़्यादा विरोधियों की बातों को मैनेज करता है और संविधान के अनुसार उनको सजा दिलाने का काम करता है। इसीलिए बहुजन समाज के लोगों को कमज़ोर बताया जाता है। अफसोस, हम आपको बताने की कोशिश करें, अगर ज़्यादा कुछ बहुजन समाज के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है तो 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को जिस तरीके से धूल चटाई थी, उस तरीके की धूल चटाने में बहुजन समाज के लोग कतई भी देर नहीं करेंगे। बहुजन समाज के लोग सिर्फ संविधान मानते हैं और आज बाबा साहब अम्बेडकर जी के पद चिन्हों पर चलकर बहुत ज़्यादा आगे हैं, इतिहास बना रहे हैं, इतिहास रच रहे हैं। भीमा कोरेगांव क्यों शुरू हुआ वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कारण यही रहा क्योंकि भीमा, यानी कि भीमा एक नदी है वहाँ पर, और भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुना जिला में भीमा कोरेगांव है, एक गाँव है कोरेगांव, और उसके पास से एक नदी जाती है भीमा, तो ये रहा भीमा कोरेगांव, ये इसलिए पड़ा। और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा आत्मसम्मान, स्वाभिमान, छुआछूत से छुटकारा पाने के लिए आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ी 500 महावीर सूरवीरों ने, और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी। और ये युद्ध इसीलिए शुरू हुआ क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता था महार, यानी कि दलित समाज के लोगों को वहाँ पर प्रताड़ित किया जाता था। युद्ध शुरू होने का सबसे बड़ा कारण यही रहा कि क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा छुआछूत थी, काफ़ी ज़्यादा भेदभाव था, इसीलिए वहाँ पर ये युद्ध शुरू हुआ। और उन्होंने जो 28,000 पेशवा थे उनको हमेशा से दबा हुआ मानते थे, उनको उनकी औकात दिखाई और आत्मसम्मान के लिए 500 महार 28,000 पेशवाओं पर भारी पड़े और 500 महारों के अंदर जो दर्द था, जो जुलस थी, उन्होंने 28,000 पेशवाओं को धूल चटाकर मार गिराकर अपनी जो आग थी वो ठंडी करी और जिस तरीके से वो तमाम प्रताड़नाएं वर्षों से झेल रहे थे थोड़ा बहुत वो शांति पड़ी। और 500 महारों को सत्सर नमन है। 1 जनवरी 1818 सुबह 9 बजे युद्ध शुरू हुआ और लगातार ये युद्ध जारी रहा जब तक 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल नहीं चटा दी, तब तक उन्होंने दम
खम से 28,000 पेशवाओं का सामना किया। ये बड़े संघर्ष की बात है और बहुजन समाज के लोग अपने आप को थका हुआ, अपने आप को कमजोर ना समझें। आपके अंदर जो आग लगी हुई है उस आग को अब जिस तरीके से सामने, अगर वो आग आ गई तो जो वृद्धि आए दिन अत्याचार उत्पीड़न कर रहे हैं दलित समाज पर, वो दो मिनट में शांत हो जाएगा। मान सम्मान, स्वाभिमान और छुआछूत से छुटकारा पाने के लिए 500 महारों ने 28,000 पेशवाओं को धूल चुटाई। ये इतिहास किसी से छुपा नहीं है। अभी हाल ही में कुछ करड़ी सेना के लोग उस स्तंभ को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं और तमाम तरीके की जो उनकी 500 महारों ने जो उनकी इतिहास को मिटा दिया जट से और अपना नया इतिहास बनाया, उनसे उनकी आज भी आग लगी हुई है। तो आप समझ सकते हो कितनी जलन आज भी बरकरार बाकी है दलित समाज के लोगों से, आप समझ सकते हो। फिलहाल नव वर्ष पर आपको बहुत बहुत बधाई, 500 महार सूरवीरों के संघर्ष को सैल्यूट। 1 जनवरी 1818 को युद्ध शुरू हुआ और यो युद्ध अंजाम तक पहुँचा और जो जातिवादी थे उनको धूल चटाई 500, सिर्फ और सिर्फ 500 महार सूरवीरों ने। सबसे पहले उनको श्रद्धांजलि। और आज इस नव वर्ष के मौके पर आप सभी साथियों का मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप मेरे से लगभग 2.5 साल से जुड़े हुए हैं। 2022 में आपने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, ये प्यार सपोर्ट आखिरी तक आप बनाए रखें, 2023 में बनाए रखें। जब तक आपका सपोर्ट प्यार बना रहेगा तब तक हम आपके मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ते रहेंगे अपने हर एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। आपकी सिर्फ हमें आपके साथ की ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप ये प्यार सपोर्ट बनाए रखें। बहुजन समाज पर हो रहे अन्याय अत्याचार की आवाज़ बहुजन समाज से के इतिहास को हम आपके बीच जन जन के बीच पहुँचाने का पूरा कोशिश करेंगे। जो कुछ भी हम पे होगा वो हम करेंगे। फिलहाल इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा, जो लोग हार मान चुके हैं या किसी भी परेशानियों से जूझ रहे हैं वो हिम्मत ना हारें। कभी आपके महापुरुषों ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने ये नहीं देखा कि हमारे सामने 28,000 हैं या 28 लाख हैं, वो 500 थे, 500 ने 28,000 को धूल चटाई। ये बड़े ही हिम्मत की बात है। 28,000 यानी कि 28,000 और 500 आप करोगे तो काफ़ी ज़्यादा एक जो है काफ़ी ज़्यादा महार काफ़ी ज़्यादा 1,000 सैकड़ों पर भारी पड़ा, तो आप समझ सकते हो। और इस मौके पर मैं यही कहना चाहूँगा, जाओ बीते हुए कल को, दिल में बसा लो आने वाले कल को, मुस्कुराओ चाहे जो भी हो पल, खुशियाँ लेकर आएगा आने वाला कल। ये आप सभी ध्यान रखें और इसी सब को मन में बसाकर हमारे बहुजन समाज के लोगों ने संघर्ष किया, बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों ने संघर्ष किया और आज उन्हीं महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत हम बोल पा रहे हैं, आपके बीच आ पा रहे हैं और आप भी अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हो। जानवरों से ज़्यादा बेहतर आपकी ज़िंदगी थी। फिलहाल मैं एक और जानकारी देना चाहूँगा, तथागत लाइव से बड़े भाई अंजुल बुमरोलिया जी भीमा कोरे गाँव गए हैं, वहाँ पर उन्होंने ब्लॉग बनाया है और शानदार दृश्य आपको दिखाने का वो काम करेंगे। आप उनके चैनल पर जाएं और उनको सपोर्ट करें और भीमा कोरे गाँव का जो भी नज़ारा है अद्भुत अनोखा, वो आप तथागत लाइव यूट्यूब चैनल पर जाके अवश्य देखें। बहुत ज़्यादा वो मेहनत करते हैं, कड़े संघर्षशील हैं और उन्होंने उस दौर में बहुजन समाज के इतिहास को दिखाने का काम किया जिस दौर में बहुजन समाज के लोग जानते तक भी नहीं थे कि हमारे महापुरुषों ने इतिहास भी रचा है। तो अंजुल भाई के कार्य को सैल्यूट, उनके संघर्ष को सैल्यूट। वो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं और तथागत लाइव पर जाकर भीमा कोरे गाँव का नज़ारा देखें। जय भीम, जय भारत। भीम मिशन टीवी को फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।